नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संडे मोटिवेशन मंत्रा में सुबह के 7 बजे। और आज हम ऐसे कई विचारों के बारे में बात करेंगे जो आपको मोटिवेट रख सकते हैं। कमाल के ये विचार मैं आपके लिए लगातार लेकर आ रहा हूँ स्टीव शैंडलर की किताब 100 Ways to Motivate Yourself से। और ये किताब इतनी कमाल है कि इसको पढ़ने के बाद मैं इसका फैन बन गया। और लगातार आप इस किताब से ही उन विचारों को जान और समझ रहे हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए हैं। ये रही वो किताब आपके सामने, और इस किताब का लिंक मैंने अमेजोन लिंक जो है दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप किताब खरीद के पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ें, अदरवाइज इस चैनल से जुड़े रहें जहां मैं आपको ऐसी कमाल की किताबों के जो एसेंस हैं वो आपको लगातार बता रहा हूं ताकि आप मोटिवेट हो सके। तो आज का पहला विचार, बिल्ड अ ट्रैक रिकॉर्ड। इस आइडिया के बारे में लेखक बताते हुए कह रहे हैं कि हमें काम करने की वजह से इतनी थकान नहीं होती है जितनी कोई काम न करने से हो जाती है। बहुत से लोग कुछ किताबें और वीडियोस देखकर मानने लगते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है इससे उनकी लाइफ बदल जाने वाली है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है वही लाइफ बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये कुछ हद तक मददगार हो सकती है, और किसी चीज को लगातार दोहराते रहना आपको फायदा नहीं देगा, आपको उसके लिए कुछ करना होगा। तो आप कभी न कभी उस चीज को सीखने की उम्मीद तो कर ही सकते हैं, लेकिन असल में आप सही तरीके से सुन सुन करके ही उसको सीख नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस बात को बार बार दोहराने की जगह या उससे संबंधित वीडियो देखने की जगह आपको कंप्यूटर खरीद करके उस पर प्रैक्टिकल सीखना शुरू करना पड़ेगा। फिर थोड़ा और सीखेंगे और प्रैक्टिस करते हुए ही आप एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर बनेंगे, ना कि सुन सुनकर और वीडियो देख देख कर। इसके लिए आपको अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होगा कि कल आप कहां पहुंचे थे और आज आप कहां हैं। उस ट्रैक रिकॉर्ड में आपको अपने एक्सपीरियंस भी लिखने होंगे। पहले आप कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं जानते थे, इसके बाद आपने आधे घंटे रोज प्रैक्टिस की और आप धीरे धीरे कंप्यूटर चलाना सीख गए और अब आसानी से कंप्यूटर चलाने लगे हैं, या आप कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या आप कोडिंग सीख रहे हैं, तो इन सब का भी ट्रैक रिकॉर्ड आपको रखना होगा। आपका ट्रैक रिकॉर्ड यह साबित करेगा कि आप खुद को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं और आप जीवन में कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो ये विचार ठीक वैसा है जैसे संस्कृत का एक श्लोक कहता है कि कर्मस्य ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न च मनोरथैः यथा स्वपीति सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशति। अर्थात ये कि केवल मनोरथ करने से, सोचते रहने से काम नहीं होते हैं, कर्म करना पड़ता है। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता, सिंह को उठना होगा और उसका शिकार करना होगा। एक दूसरा विचार जो कमाल का विचार इस किताब में से है वो कहता है, वेलकम द अनएक्सपेक्टेड। इस विचार का मतलब ये है कि जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जिसका हमने सपने में भी अनुमान नहीं लगाया था। इस आइडिया के बारे में बात करते हुए लेखक कहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वो क्रिएटिव नहीं है, जबकि हम लोग वाकई में बहुत क्रिएटिव हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि किसी ओरिजिनल चीज को क्रिएट किया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज क्रिएट किया जाए जिसके बारे में पहले सोचा ही नहीं गया था। इस बारे में नमकीन जलेबी एक एग्जाम्पल हो सकती है। अगर आप लोगों ने जलेबी को 1000 बार देखा होगा, लेकिन इनमें क्रिएटिविटी ये है कि वो नमकीन हो और टेस्टी भी लगे। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप आर्टिस्टिक या क्रिएटिव नहीं हैं। जैसे अगर आप इंदौर शहर में आ जाएं तो यहाँ आपको पनीर की जलेबी मिलेगी, अगर आप भोपाल चले जाएं तो वहाँ आपको नमक वाली चाय मिलेगी। क्रिएटिविटी कहीं भी डाली जा सकती है, किसी चीज़ में डाली जा सकती है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो वीडियो बनाना हो, चाहे कुछ और काम हो। क्रिएटिविटी की जगह हर जगह है, क्रिएटिविटी हर जगह है। बस पहचानना होगा कि हम क्रिएटिव हैं और उस काम को किस तरह से कर सकते हैं। और इसके लिए करना ये होगा कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जिसका हमने अनुमान ही नहीं लगाया था, उसका स्वागत करना होगा। और जब हम अनएक्सपेक्टेड का स्वागत करते हैं तभी हम क्रिएटिव हो पाते हैं और कुछ अलग कर पाते हैं जो अभी तक किया ना गया हो। एक और अन्य महत्वपूर्ण विचार जो आज के लिए अंतिम विचार है आज के मोटिवेशन मंत्रा में, जो कहता है, फाइंड योर मास्टर की। इस विचार के बारे में बात करते हुए लेखक कहते हैं कि बहुत सारे वीडियोस और किताबें आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं, जैसे कि यह किताब जिसमें आप लाइफ स्टाइल बदलने के लिए 100 आइडियाज सुन रहे हैं, या फिर ये चैनल जहां आप हर संडे मोटिवेशन मंत्रा देख रहे हैं और अपने जीवन में सकारात्मक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर आपके लिए कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है जिसमें आपके जीवन को बेहतर करने के बारे में कोई बात आप सीख सकें, या फिर आपकी खुद की कोई ऐसी क्वालिटी हो सकती है जैसा कि सेल्फ डिसिप्लिन, जिससे आप अपने आप को डिसिप्लिन करके अपने लेवल को हमेशा बढ़ा सकते हैं। कई बार आपको अपने लिए ऐसे एक मास्टर की जरूरत होती है जिसका आपको पता नहीं होता। और अगर आप बहुत से महान लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी अपने जीवन में किसी खास टाइम पर ऐसी कोई किताब पढ़ी, या ऐसे किसी व्यक्ति से मिले, या ऐसा कुछ किया जो उनके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त था, जिन्होंने उनके कंसेप्ट और सोच को बदल दिया और वह उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई।
इसीलिए आपको बाहर फैले हुए नॉलेज के भंडार में से अपने लिए मास्टर की को ढूंढते रहना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका ये मास्टर की ये चैनल है जहां आप हर संडे बिना किसी डिस्टर्बेंस के सुबह 7 बजे मोटिवेट होने के लिए 5 से 7 मिनट का समय निकालते हैं और पूरा सप्ताह आपको बूस्ट करके रखता है, तो आपने अपना मास्टर की ढूंढ लिया है। या नहीं ढूंढ पाए हैं अभी तक, तो ढूंढते रहिए उस एक व्यक्ति को, उस एक किताब को, उस एक लाइफ चेंजिंग कोट को, उस एक कविता को जो आपके जीवन भर के लिए आपका मोटिवेशन साबित हो और जहां से आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े। उम्मीद करता हूं कि आज का ये मोटिवेशन मंत्रा आपको आने वाले एक सप्ताह के लिए कम से कम बूस्ट करने, मोटिवेट करने के लिए पर्याप्त होगा। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।